Hi students, this is KD sir from CO Education. Today we are going to start chapter number 15, probability for class 10, right? तो पहले हम ये समझ लेते हैं probability क्या होता है. Probability का मतलब है chances. Probability का मतलब है संभावना. Probability का मतलब है शक्यता. Probability का मतलब है estimates. ये सब इसके आंसर है. यस, एक एग्जांपल देता हूं तो शायद आपको समझ पड़ जाएगा. मेरे पास 1 रुपी का कॉइन है, राइट? इसको टॉस करता हूं, क्या गिरेगा? आप बोलोगे हेड गिरेगा, कोई बोलेगा टेल गिरेगा, राइट? लेकिन कॉइन सीधा खड़ा तो नहीं रहेगा ना, जैसे शोले पिक्चर में खड़ा था, नहीं, राइट? तो या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, मतलब दोनों में से एक तो गिरेगा ही. दिस इज द थिंग. और दो चांसेस हैं टोटल, आइदर हेड आइदर और टेल, बट वन विल सर्टेनली हैपन, देयरफॉर इट इज एन सर्टेन इवेंट, राइट? एंड द चांसेस आर हेड एंड टेल, हेड एंड टेल. और सर्टेन इवेंट क्या है? उसमें से कोई एक सर्टेन हुआ. तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए. एक बैग है, उस बैग में 5 अलग अलग कलर के बॉल रखे, राइट? तो आप रैंडमली एक उठा रहे हैं, राइट? तो चांसेस क्या है? अलग अलग कलर है, मतलब 5 में से एक कलर तो आना ही है. दिस इज सर्टेन इवेंट, राइट? और टोटल चांसेस क्या है? 5. दिस इज द थिंग. तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी जो है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. इसलिए उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट? तो दो प्रोबेबिलिटी है, एक थियोरिटिकल जो एज्यूम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एज्यूम करते हैं ऑन द बेसिस. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज मैंने कॉइन्स टॉस किया तो हमको प्रोबेबिलिटी आता है 1/2, राइट? लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसको अगर मैं 10 मिलियन टाइम्स टॉस करूं तो क्या आ सकता है? तो वी कैन अज्यूम दैट इट इज नियर बाय 2, 1/2 और 0.5. अज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड थियोरिटिकल अप्रोच एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल. तो प्रोबेबिलिटी जो है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंटल वाला है, राइट? तो इसीलिए उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो इसे हम किस तरह लिखते हैं? पी, राइट? अब हर एक प्रोबेबिलिटी का कुछ ना कुछ, हर एक जो प्रोग्राम करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन, राइट? टॉसिंग ए डाई, राइट? सिलेक्टिंग ए बॉल, राइट? स्टैंडिंग इन मेकिंग स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ए क्यू. तो ये सारे जो चीजें एक इवेंट अगर है, तो अगर सपोज वी टेक दिस इवेंट ई, तो हम इसे पढ़ेंगे पी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का जो फेवरेबल आउटकम्स, टू ई दैट इज इवेंट ई, और पॉसिबल आउटकम्स, राइट? ये इसका फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स टू ई, पॉसिबल आउटकम्स. नाउ ये फेवरेबल आउटकम्स टू ई क्या होता है ये बताता हूं. अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे, व्हेन आई टॉस अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट हेड. देखिए, अब मुझे फेवरेबल ये चाहिए कि मुझे हेड ही चाहिए. दिस इज द फेवरेबल वन टू द इवेंट ई. तो फेवरेबल आउटकम टू ई. और पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या है? हेड एंड टेल. इसमें हेड का चांस एक है, तो देयरफॉर पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 1 हुआ और पॉसिबल आउटकम 2. दिस इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. ऐसे कोई भी चीज ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस यही देखना है आपको. तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट विल बी योर फेवरेबल आउटकम, और ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 आज करेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू 2 एग्जांपल्स. पहले एक बात बताना चाहूंगा आप लोग से,
कि जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स, यू नीड टू डू इट मिनिमम टू टाइम्स कंपल्सरी, डू इट फॉर योरसेल्फ। एक्सरसाइज सम्स 3 times, जो क्लास वर्क में एक बार सर कराते हैं वो, प्लस 2 टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जांपल्स यू डू इट 2 times योरसेल्फ। अगर ये वाला मंत्र अगर आप फॉलो करोगे, ये वाला मेथड अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, यू विल स्कोर 100 out of 100। ओके, दिस इज श्योर। तो आप प्लीज़ फॉलो करो, और अगर जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉलो किए हैं, दे अचीव्ड दैट ड्रीम मार्क्स, एंड आई अश्योर यू विल ऑल्सो इफ यू फॉलो दिस। लेट्स स्टार्ट। द मेन रीजन फॉर सेइंग टू डू एग्जाम्पल इज यू विल कम टू नो वॉट टू राइट। मैथड क्या है, क्या स्टेटमेंट लिखना है, दैट्स द रीजन। नहीं तो सम तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल येलो बॉल, हाँ चलो यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉल है, 3 1/3 आंसर आ गया। ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आप बोले मैंने तो सम राइट किया था, सर ने बराबर चेक नहीं किया, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि दिस इज एन इवेंट, फिर उसके बाद उसका पॉसिबल आउटकम्स, फिर उसके बाद फेवरेबल आउटकम, फिर उसके बाद फॉर्मूला, स्टेप्स, यू विल लर्न द स्टेप्स एंड दिस वे यू विल गेन गुड मार्क्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ये वाला जो वर्ड है ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, वंस ट्वाइस थ्राइस क्या है, अभी फिलहाल ये सिर्फ वंस है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड वंस इज इक्वल टू क्या होगा, हेड एंड टेल, एच फॉर हेड टी फॉर टेल, राइट, ये हम लिख लेते हैं। नाउ लेट द इवेंट ऑफ टॉसिंग द कॉइन इज ई, तो आपको इवेंट डिफाइन कर दिया, तो फेवरेबल आउटकम, देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, राइट। अच्छा, फेवरेबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम्स पहले लिख दीजिए 2, उसमें से एच कितनी बार है, हेड कितनी बार है, 1 बार, देयरफॉर इट विल बी 1, राइट। सिमिलरली वॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वापस देखिए, फॉर पी ऑफ ई, नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ लेंथ, तो टेल के लिए हमको दूसरा इवेंट लें, लेट द इवेंट फॉर गेटिंग ऑफ गेटिंग टेल इज टी, तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू वापस फेवरेबल आउटकम आउटकम टू टी अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू फिर से क्या आएगा, 1/2, दिस इज द आंसर। ओके, तो आपको सिर्फ इसी तरह फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स अ रेड बॉल अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, राइट, रैंडमली उठाना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट फर्स्ट वन येलो बॉल। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, पॉसिबल आउटकम सबके लिए सेम रहेगा, तो फिर सबसे पहले लिख दीजिए पॉसिबल आउटकम्स, Y फॉर येलो, R फॉर रेड एंड ब्लू, B फॉर ब्लू, राइट, 3 हुआ टोटल इज इक्वल टू 3, डन। नाउ व्हाट इज द, तो लेट द इवेंट Y बी द फॉर गेटिंग येलो बॉल, राइट, फॉर्मूला वही लगेगा, P ऑफ Y इज इक्वल टू वापस फेवरेबल आउटकम कितना है, 1
दैट इज 1/3, राइट। लेकिन आप हो सके तो टीचर को फॉर्मूला लिख के दिखाइए, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू पी ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, 1/3, इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आपका ये फुल मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट है, लेट द इवेंट आर बी द फॉरगेटिंग रेड बॉल, राइट। तो पी ऑफ आर फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, वापस 1/3 सेम, और थर्ड वाला भी सेम टू सेम आएगा, ब्लू बॉल, राइट। तो ये था, मैंने इसको बॉक्स बना दीजिए सो दैट आपको अलग अलग दिखाई देवे, राइट। आपको इसे ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद ये तीनों का अलग सम करना है, ओके। तो यहां पे देखिए, लेट द इवेंट बी बी द फॉर गेटिंग ब्लू बॉल, ओके, ब्लू बॉल। तो क्या हो जाएगा सर, पी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू वापस 1/3, राइट। तो दिस इज द थिंग, ये आपका आंसर रहेगा। जहां भी आंसर आएगा तो इसे डबल लाइन करो, तो टीचर को राइट डालने में इजी रहेगा, ओके। तो दिस इज द सम। लेट्स गो टू वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, राइट। सब लोगों ने कार्ड्स तो देखे होंगे, खेलते भी होंगे, राइट, गेम्स घर पे सबके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वैकेशन में खेला होगा, राइट। तो ये जो कार्ड्स में, जिन लोग नहीं जानते उनके बारे में बता रहे हैं, राइट। इसमें जो ब्लैक प्लैप ब्लैक हार्ट जो है उसको बोलते हैं, ब्लैक हार्ट को क्या बोलते हैं, स्पेड, राइट। तो ये जो है, ये ब्लैक हार्ट जो है ब्लैक कलर का है, ये है स्पेड। फिर उसके बाद हार्ट जो है ये होगा रेड कलर का, राइट, दैट इज रेड। फिर उसके बाद होगा डायमंड, वो भी रेड कलर में है, राइट, रेड, ये ब्लैक है। फिर उसके बाद है क्लब, क्लब मतलब चिड़िया, राइट, दैट इज ऑल्सो ब्लैक। तो इसमें देखिए, टोटल यहाँ 13, ये 13, ये 13 और ये 13, टोटल 13 4 है, दैट इज टोटल कार्ड्स है 52। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज स्पेड, ब्लैक कलर, ब्लैक पान, राइट, काली पान बोलते हम लोग। फिर हार्ट लाल पान बोलते हैं, डायमंड चरकट बोलते हैं, और क्लब मतलब फल्ले बोलते हैं, राइट, दिस इज द थिंग, या चिड़िया बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, हर एक में 13 होते हैं, 13 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद J फॉर जैक, K फॉर किंग, Q फॉर क्वीन एंड A फॉर एस, बराबर, गद्दा रानी बादशाह इक्का, आपको ये हिंदी में या गुजराती में आता होगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है, ये समझना जरूरी है, तभी आप इसके सम्स कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। अब पहला नंबर का बी एन एस एक का, राइट। तो पहले तो क्या समझना है, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस इज ई, राइट। अब पॉसिबल आउटकम्स कितना है टोटल, 52, तो 52 कार्ड्स लिख दीजिए। देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स टू ई, ऐसा लिखने का, राइट, टू ई अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दैट इज फेवरेबल आउटकम कितने हैं, अब आप बताइए, एक का कितने होते हैं, लाल का एक का, काली का एक का, डायमंड का एक का, और क्लब मतलब फल्ले का एक का, टोटल 4 एस, राइट।
स्पेस स्पेड हार्ट क्लब एंड डायमंड, तो ये है 4/52, 4 × 4 13, 1/13 इज योर आंसर, दिस इज द थिंग। ओके नाउ ये चीज हम सेकंड में जाते हैं, व्हाट इज विल बी द प्रोबेबिलिटी इफ इट इज नॉट बी एन एस। वापस ये हम कह रहा दो चांसेस हैं, नॉट बी एन एस मतलब क्या हो गया उसका ऑपोजिट। जैसे अभी मैंने कॉइन टॉस किया, हेड नहीं गिरा तो क्या होगा, एक ही चांस है टेल, तो मतलब उसका ऑपोजिट होगा राइट। तो यहाँ पे ये एस है तो ये नॉट बी एन एस मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट टू द इवेंट ई राइट। तो लेट ई डैश इज द कॉम्प्लीमेंट टू द इवेंट ई राइट। तो ये फॉर्मूला देखिए, P of E plus P of E dash is equal to 1. Therefore, P of E dash is equal to 1 minus P of E. Right? That is 1 minus P of E. That is क्या लिखना है? 1 minus P of E क्या था? 1/13. तो 1/13 मतलब 13 minus 1/13. That is 12/13. यह आपका आंसर आएगा. Right? तो this is the thing. P of E dash, ये एक बात हुई। दूसरी बात, अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो अभी आपका राइट होगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसका फेवरेबल आउटकम्स ढूंढते हैं, 52 पत्ते में से, 52 कार्ड्स में से अगर आप चार एक का निकाल दीजिए तो 48, तो देख लीजिए यहाँ पे रख करके 48/52 राइट। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 2 × 6 = 12, 13, 12/13 है कि नहीं, तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। लेकिन आपका ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला समझाने के लिए ये मेथड से भी किया, तो यू कैन डू एनी मेथड, कोई गलत नहीं। ओके तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द सम एंड देन डू इट, यू कैन डू इट इन एनी वे। अच्छा देर इज एन अनदर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्या होता है? अगर ऐसा पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी राइट टू गेट 11 नंबर कार्ड। अब देखिए नंबर कार्ड से बोला मैंने 10 तक ही होता है, 11 नंबर का कार्ड है ही नहीं, फिर जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, तो मतलब 11 नंबर का कार्ड है ही नहीं, देयरफॉर इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 नंबर इन अ डाइस। अब डाइस में 6 नंबर तक ही होता है, 8 नंबर होता नहीं है, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट। ऐसे तो बहुत इजी है लेकिन इसे पहले समझ भी लेते हैं। द फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 राइट। ये कैसे है? ये फॉर्मूला है, ये भी बता देता हूं आपको। देखो पी ऑफ ई, एक सम भी अभी एग्जाम्पल किया था, पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये याद रखना आप। तो दिस इज द थिंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट उसका ऑपोजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 राइट। सेकेंड नंबर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। कैनॉट हैपन, कैनॉट हैपन मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, आपको खाली इतना याद रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट, और जो इम्पॉसिबल है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ए यहाँ पे उसका आंसर लिखिए और ये लिखिए राइट। द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0 ऑलवेज, और उसे इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट राइट। तो दिस इज द थिंग, तो ये 0 कब बताया था मैंने, What is the probability that I get head and tail both while tossing a coin? Is it possible? Not possible. What is the probability I get 7 number when I toss a die? Not possible. Dice. Not possible because 6 tak hi hota hai number, that is 0. Right? Third, the probability of an event that is certain to happen is certain. Matlab kya hai? Hona hai. Ho gai. Toh uske chances kya hai? This always 1
राइट, इट इज सर्टेन गोइंग टू हैपन, कुछ तो होगा ही. इफ आई टॉस अ कॉइन, इट इज गोइंग टू आइदर हेड और टेल, दैट इज सर्टेन, राइट, दिस इज कॉल्ड सर्टेन. और उसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट. ओके, प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री, मतलब ये जैसा है ना, सारे जितने भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, सारे सम पॉसिबिलिटीज को अगर हम प्लस करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी वन से ऊपर कभी नहीं जाएगा. तो इट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज वन, राइट. द लास्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. जीरो इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू वन, बस ये आपका फॉर्मूला है. तो आपको ये याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन, दिस इज द वे. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. अब पहले तो ये इसका मीनिंग समझ लीजिए. इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है इक्वल, मतलब 50% 50% परफेक्ट इक्वली, राइट, दैट इज द थिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये कॉइन टॉस करता हूँ, उसके चांसेस परफेक्ट है हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, जरूरी नहीं हर बार हेड ही गिरेगा, राइट. तो दोनों इक्वली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है और फिर लिखना है. तो पहला वाला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट. आपको यहाँ पे दो ऑप्शन तो दिए हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा हाँ बरोबर है, प्रोबेबिलिटी तो है. नहीं, ऐसा नहीं है. स्टार्ट्स डज नॉट स्टार्ट बरोबर है, लेकिन जरूरी नहीं है इक्वली होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है 10 बार मैंने ट्राई किया उसमें 8 बार वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट, क्योंकि वो कार खराब है. तो इसलिए इक्वली नहीं है, इक्वली प्रोपोर्शनल नहीं है. देयरफॉर मे द कार डज नॉट स्टार्ट फॉर मैनी टाइम्स, राइट. तो दिस इज द थिंग, पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, लाइकली आउटकम, बस इतना सा लिखना है, राइट. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, मे द कार डज नॉट स्टार्ट फॉर मेनी टाइम्स, तो इक्वली प्रोपोर्शनल नहीं है. सेकेंड वाला भी देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, राइट. नाउ शी ही और शी शूट्स, और इसमें क्या है, उसकी स्किल पे डिपेंड करता है, राइट. भले यहाँ पे शूट और मिस है हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अटेम्प्ट है वो फिक्स नहीं है. जरूरी नहीं है कि वो हर बार अटेम्प्ट इक्वली कर सके, हो सकता है कि 10 बार मिस हो जाए, हो सकता है ना. तो ये चीज है, तो दिस इज द थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द शूटर, सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट. ओके, ये भी ऐसे ही लिख देना है, तो ये भी इक्वली आउटकम एक्सपेरिमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द स्किल, तो इसलिए परफेक्ट होगा नहीं ये, राइट. थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया है, या तो ट्रू लिखना है या तो फॉल्स, मतलब इन एडवांस में क्लियरली बता दिया कि यही ऑप्शन होगा. यहाँ पे ना कोई टैलेंट है, कुछ भी नहीं, तो ट्रू और फॉल्स में दो ही ऑप्शन है, जैसे हेड और टेल होता है वैसे. देयरफॉर, राइट, इट इज इक्वली, आप लिख दीजिए, इन एडवांस इट हैज बीन मेंशन्ड ओनली टू ऑप्शंस, देयरफॉर इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट. It is equally like outcome experiment. Last one, a baby is born. Once again,
only two proportion, right? Equally proportion, either boy or a girl. Therefore, right? So a baby can be either boy or a girl, right? Therefore, it is equally likely outcome experiment. डन. तो ये इस तरह आपको थोड़ा सा दो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कैसे है, किस तरह, राइट. अगर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, किसी शूटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो आउटकम फिक्स नहीं होगा, आउटकम फिक्स नहीं होगा. लेकिन जिसका रिजल्ट फिक्स है कि ये ही हो सकता है, तो देन इट इज परफेक्टली इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football, right? First, the possible outcome of tossing a coin is, the possible outcome of tossing a coin is head or tail. Barabar sir, do hi outcome hai. Head or tail. Therefore, it is a equally likely outcome. Therefore, it is equally likely probability. Right? So, iske chances jo hai, therefore, and hence, it is unpredictable. Ye khas likhna hai. राइट आप परफेक्ट बता ही नहीं सकेंगे. जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा. दिस इज द रीजन इट इज यूज्ड इन द फुटबॉल क्रिकेट ऑल मैचेस. ओके, तो ये है आपका आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. देखो यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड यूज किया कैनॉट, तो इसका मतलब तीन राइट है एक रॉन्ग है, बस यही फाइंड करना है. और सिंपल बात है, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. लिख दो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. क्यों बोलो तो याद है आपको, जीरो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू वन. पी ऑफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन. देयरफॉर इट कैन बी आइदर बिटवीन जीरो टू वन बट कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन वन, राइट. तो देयरफॉर द बी माइनस 1.5 इज द is the event is nahi there aapko aisa nahi likha hai. Therefore b minus 1.5 is the answer, right. Therefore why do it cannot be a probability of an event इवेंट. खाली इतना लिखना है. ओके, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट सब. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. इफ पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. नाउ नॉट ई को कैसे लिखते हैं हम लोग, ई डैश, राइट. देयरफॉर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश दैट इज नॉट ई इज इक्वल टू 1. ये हमको पता है, राइट. नाउ P of E is equal to कितना है, 0.05. P of E dash is equal to 1. Therefore, P of E dash 1 minus 0.05. 1 minus 0.05 क्या आएगा, 5. यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 9 और ये 0, right? That is 0.95. This is the answer. Therefore, not E is equal to probability of not E is 0.95. Okay, this is your answer. बहुत easy है ना,
राइट तो वैसे ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। देखो क्वेश्चन में ही बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, उसके सिवा कोई कैंडीज है ही नहीं। तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू इट। तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लावर्ड कैंडी। आप देखिए है लेमन फ्लेवर्ड, उसमें से उसको ऑरेंज फ्लेवर्ड का चांसेस क्या है? इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, बराबर है कि नहीं? इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। एज द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, देयरफॉर एन ऑरेंज प्रोबेबिलिटी, therefore an event getting an orange flavored candy is an impossible event। क्या लिख देने का? इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो लेकिन हमको तो क्या है? प्रोबेबिलिटी। therefore the probability of getting ऑरेंज कर्व ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज जीरो, बस ये है। लेकिन आपको क्या है? स्टेटमेंट वाइज लिखना है। आंसर तो पता है जीरो है, लेकिन यू हैव टू राइट दिस वे। ओके सिमिलरली देखो यहाँ पे ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यस लेमन ही निकलने वाला है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो निकलने वाला है क्योंकि सब बुक से ही भरा है। तो एज द बैग इज द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली ओनली देयरफॉर इट इज एन सर्टेन इवेंट। क्या लिखने का? सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन इवेंट है तो क्या हो जाएगा सर? वन आएगा आंसर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज वन, ये आपका आंसर, राइट? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। वेरी इजी चैप्टर, ध्यान से खाली एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, राइट? एंड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी that the event of two students having the same birthday. Ab, let the probability of two students having the same birthday is E. Barabar hai? And the let the event सॉरी इवेंट लिखो इवेंट ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज ई, नहीं ये बराबर है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स, तो यहां पे पी ऑफ ई लिखिए। क्या लिखने का? पी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग the same birthday is P of E dash likhe, right? So now we know that P of E plus P of E dash is equal to 1, right? यहाँ पे हमको not वाला दिया है, तो E dash दिया है, तो हमको E ढूँढना है, तो P of E is equal to 1 minus P of E dash, right? तो P of E is equal to 1 माइनस 0.992, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे ठीक क्या हो जाएगा? 9 में से 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो जाएगा, दैट इज 0.008। दिस इज द आंसर। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी दिया है, इसलिए पी ऑफ ई लिया है। अगर हम इवेंट लेते तो खाली ई लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, दैट फॉर वी आर टेकिंग पी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर दिया है, राइट? ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8।
A bag contains 3 red balls and 5 black balls. Therefore, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is 1 red? Right? Now, possible outcomes. क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 3 प्लस 5 कितना है 8 है राइट ये लिख देना है नाउ रेड बॉल्स कितने हैं रेड बॉल्स कितने हैं दैट इज 3 देयरफॉर लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज आर देयरफॉर पी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या लिखना है राइट फेवरेबल आउटकम टू आर अपॉन पॉसिबल आउटकम्स राइट दैट इज क्या हो जाएगा 3/8 ये आपका आंसर क्योंकि इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए नॉट आर राइट नॉट रेड का मतलब वही रहेगा नाउ Let the probability of not getting red ball is P of R dash. क्या है P of R dash. तो P of R dash का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 माइनस P of R. हम लोग ढूंढने नहीं बैठेंगे ये हमको भी पता है कि 5/8 आएगा लेकिन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला P of E dash is equal to 1 माइनस P E. दिस इज द थिंग तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8 दैट इज 8 माइनस 3/8 5/8 आया कि नहीं आंसर सेम आंसर आएगा ओके सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस सम बोथ द वे दोनों राइट है लेकिन हो सके आपके टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को यूज करो ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स राइट तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन विल बी रेड सेकंड नंबर में व्हाइट एंड थर्ड नंबर में नॉट ग्रीन राइट पहला वाला हम लोग प्रूव करते हैं रेड वाला पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है पॉसिबल आउटकम्स राइट सम स्टार्ट करने से पहले ये लिख दीजिए सबके लिए पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम कितना है 5 प्लस 8 प्लस 4 कितना हुआ 9 प्लस 10 17 मार्बल्स राइट नाउ फॉर फर्स्ट वन है रेड लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल रेड मार्बल इज आर देयरफॉर पी ऑफ आर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स राइट तो ये क्या हो जाएगा रेड बॉल कितना है 5 देयरफॉर इट विल बिकम 5/17 योर आंसर राइट दिस इज द फर्स्ट वन सेकंड वापस वैसा ही है फॉर व्हाइट आपको लिखना है लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल इज W राइट देयरफॉर P ऑफ W इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या होगा व्हाइट मार्बल कितना है 8 और नीचे जो है वो 17 वही का वही आएगा दिस इज आवर सेकंड आंसर थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है वो है नॉट ग्रीन तो पहले आपको ग्रीन फाइंड करना पड़ेगा फिर नॉट ग्रीन वाला लेट्स स्टार्ट यहां पे लिखिए लेट द इवेंट ऑफ getting green marble is क्या हैगा G right and not getting green marble is G dash right अभी लाल लिख देते हैं now P of G find करें P of G is equal to favorable outcome upon possible outcomes
कितना आएगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू 4 upon 17 राइट। नाउ ये हमारा आंसर नहीं है, तो नाउ देयरफॉर पी ऑफ जी डैश इज इक्वल टू 1 minus P of G राइट। दिस इज 1 minus 4 upon 17 दैट इज 17 minus 4 upon 17 क्या आएगा, दैट इज 13 upon 17 दिस इज योर आंसर। देयरफॉर पी ऑफ जी डैश इज इक्वल टू 13 upon 17 राइट। तो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये जब नॉट ग्रीन आएगा तो पी ऑफ जी डैश लेना है, और जब ग्रीन आएगा तभी सिर्फ पी जी लेना है राइट। नाउ आई होप वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 15.1। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 15.1 ईच एंड एवरी सम। वी ऑल्सो एक्सप्लेन फ्यू एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो प्लीज शेयर करो, सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2। ओके, तो टिल दैट बाय बाय फॉर द डे।